स्वागत है गाइज़ आप सबका हमारे चैनल पे। मैं होगा सिंह और अभी हम लोग जाने वाले हैं वाटर जिम में। तो गाइज़ वाटर जिम में कभी नहीं खेलता लिटरली, क्योंकि मेरे को पता है कि जीतना यहाँ पर इम्पॉसिबल ही होगा। मतलब अनलेस एंड अनटिल मैं कोई ऐसा पोकेमोन ही बनाता जो टोटली ड्रैगन टाइप से इम्यून हो, जैसे कि नया फेरी वाला सुकून, या फिर मेरा लेवल 100 ना हो जाए। शियर कोल्ड और रेस्ट स्लीप टॉक के साथ आराम से हम लोग जीत जाएंगे, पर प्रॉब्लम ये है ना कि हमारा लेवल इतना ज़्यादा है नहीं। और रही बात 97 की, लेवल 97 या फिर VIP वाले अकाउंट की, तो वहाँ पर भी ज़्यादा पोकेमोन्स मेरे पास है नहीं। अगर हैं भी तो उन पर फ्रेंडशिप करना, उतना झमेला करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। लिटरली फ्रेंडशिप कंप्लीट करो, फिर उनको लेवल अप करो, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं स्टार अप करो, वगैरह वगैरह, तो टाइम टेकिंग होगा। हालांकि उसमें आराम से हम लोग बन जाएंगे शेयर कोल्ड वगैरह इस्तेमाल करके। इस बार मैं अपने VIP 0 से उतरा हूँ। मैं एक्चुअली पहली बार अपने R7 स्वाम्पर्ड को जो है, पहली बार नहीं, इसे दूसरी बार है लेके जाने वाला वाटर जिम में। और इस बार मैं पूरी तैयारी करके जा रहा हूँ, सारे पोकेमोन ज़्यादा से ज़्यादा लेवल अप कर देता हूँ, क्योंकि शेयर कोल्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लिटरली बंदे ज़्यादा स्ट्रांग होते नहीं, पर फिशर और शेयर कोल्ड का इस्तेमाल यहाँ पर ज़्यादा होता है। और अनफॉर्चुनेटली अदर देन वाटर सेल गैलियो यहाँ पर ऐसा कोई पोकेमोन नहीं है जो इससे इम्यून हो। ठीक है, तो मैं अपने वाटर सेल गैलियो को अभी दे नहीं रहा हूँ वो एबिलिटी जिसे 1-hit किल ना हो। मैं इसे अभी भी अनवायर के साथ रख रहा हूँ। मेरे को लग रहा है शायद ऐसी नौबत आएगी नहीं जहाँ पर शेयर कोल्ड वगैरह या फिर फिशर ज़्यादा हमें तंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर सारे TMs वगैरह कलेक्ट किए हैं। बस मैं यहाँ पर लाइट स्क्रीन ढूंढ रहा था जो मेरे को कहीं नहीं मिला, क्योंकि बहुत बार लाइट स्क्रीन बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैं चाहता था कि लाइट स्क्रीन हमें स्पेशल अटैक यूज़र से बचा ले। तो गाइज़ 2 दिन में हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, उसका वजह यह था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। एक्चुअली मुझे हेडेक हुआ था बहुत ही बुरा वाला, और एक्चुअली वायरल फ्लू जैसे कुछ था मेरे को। ये इसलिए हुआ था क्योंकि मैं बारिश में बहुत ज़्यादा भीगा था, और इसके वजह से मैं ठीक से खा नहीं पा रहा था या फिर सो नहीं पा रहा था। पर फाइनली हम लोग जैसे तैसे अभी रिकवर कर चुके हैं। मैं 2 दिन तक ठीक से कुछ किया नहीं, मैंने ज़्यादा मतलब बस सोया था। तो मेरे को डर था कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, फिर चेक वगैरह किया, नहीं हुआ, सब कुछ नहीं हुआ है, बस फ्लू हुआ था। तो कोई नहीं, जैसे तैसे हम लोग यहाँ पर रिकवर कर चुके हैं, मतलब अपना जो हेल्थ, रियल ह्यूमन हेल्थ जो हम लोग ठीक है, मतलब ठीक हो चुके हैं। अभी हम उतरते हैं गेम में। ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा चेस्ट है, पर कहीं भी मेरे को लाइट स्क्रीन नहीं दिख रहा। तो कोई नहीं, नहीं मिलता है तो ऐसे भी हम लोग उतर ही जाते हैं बैटल में। अब नहीं है तो भाई अब क्या ही किया जाए, मतलब अब कोशिश किया जाएगा कि शायद कभी अगर मिलता है तो। वाटर जिम बहुत ज़्यादा टफ होता है गाइस, यहाँ पर सारे प्लेयर्स का पाल के ऑटो होता है। सबसे पहला बैटल गेरा, ये कुछ सिबा वगैरह है, ये इनका अकाउंट नहीं है, ये किसी और का अकाउंट है, पर ये हैंडल करता है ये बंदा। तो इस पर सबसे पहले अगर जीमू आता है, इसलिए मैंने काउंटर यूज़ किया, पर जीमू आया नहीं। ये बहुत ही चालाकी है कि या फिर आप स्लीप टॉक यूज़ करो ताकि काउंटर आपको काउंटर करना पाए। पर हमने हर चीज़ का एक तोड़ बना रखा है। मैंने सुकून को वाटर एब्जॉर्ब दिया हुआ है, मेरे को पता है स्लीप टॉक से बार बार वाटर इम्पैक्ट आता है, इससे वाटर इम्पैक्ट का टोटल PP 15 हो जाता है, मतलब 5 और 10 मैक्सिमम बार वाटर इम्पैक्ट ही आता है स्लीप टॉक अगर आप पाल किया। वाईफाई यूज़ करो तो एक्स पर भी यही होता है, पर कभी कभार एक्स पर वो जो ऑटो मूव, मतलब उसका जो एक और बेहतरीन मूव है जो स्पेशल ट्रेंड जिसका नाम है, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है मतलब स्लीप टॉक पे। पर रही बात जब इस पालकिया में अगर आपने आउटरेज दिया होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इम्पैक्ट ही आता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कोशिश की कि इसका अटैक थोड़ा इंक्रीज़ होने दिया जाए, ताकि हिम्मत करके हम पे जीमो इस्तेमाल करें। और मैं बार बार काउंटर यूज़ कर रहा था, पर मेरे को लगा कि बार बार स्लिप टॉक फिर रेस्ट यूज़ कर करके ये स्वाम्पर्ड को मारने की कोशिश करेगा। और हमने फाइनली अपने स्वाम्पर्ड को जो है लेफ्ट ओवर्स दिया हुआ है, इसने फिर से स्लिप टॉक यूज़ किया, सॉरी रेस्ट यूज़ किया, अब यह स्लिप टॉक यूज़ करेगा। तो मैं फिर से अपना स्विकून आगे करता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि हम लोग इसको थोड़ा तंग करें, और जब ये थोड़ा नाराज़ होगा या फिर गुस्से में होगा तब ये ZMO अपना वेस्ट करेगा, और तब मैं लेके आऊँगा अपने स्वम्पर्ड को। अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब ZMO आएगा, कभी भी आ सकता है। तो मैं एक बार प्रोटेक्ट यूज़ करता हूँ, ये हमने किया प्रोटेक्ट, और ये हुआ ZMO वेस्ट, ये मैं चाहता था। अब मैं एक पोकेमोन को शहीद करूँगा, हो सके तो लूडीकुलो को जाने देते हैं, क्योंकि सेल्डर बाद में काम आएगा, टॉक्सिक स्पाइक्स और स्पाइक्स काम आएंगे बाद में। तो लूडीकुलो गया, ठीक है, कोई नहीं। अटैक +3 स्वम्पर्ड झेल पाएगा, यानी कितना ज़्यादा डैमेज लेगा आपको अभी पता चल ही जाएगा। अब मैं वेट कर रहा हूँ कब मेरे पर वाटर इम्पैक्ट यूज़ किया जाए, और ये आया वाटर इम्पैक्ट, ज़्यादा डैमेज नहीं दिया, पता नहीं क्यों, शायद पालकिया कमज़ोर है या फिर हमारा डिफेंस ज़्यादा बेहतर है। लेफ्ट ओवर्स देने के कारण हमारा जो डिफेंस है थोड़ा इंक्रीज़ हो चुका है, पर प्रॉब्लम यह हुई कि हमने अपना बहुत ही बड़ा अटैक खो दिया, 35% अटैक था जो चला गया।
अब मैं जानता हूँ मैं हार जाऊँगा, एक्चुअली मैं पहले ही जान गया था हार जाऊँगा क्योंकि उसका लेवल ज़्यादा है और शेयर कोल्ड होगा ही होगा, पर मैं दिखाना चाहता था कि अदर देन शेयर कोल्ड ये बंदा जीत नहीं पाता, पर विद शेयर कोल्ड ये ज़रूर जीत जाएगा, शेयर कोल्ड ही होगा। और यहाँ पर फिनी ने हमें ट्रैप कर लिया है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे को पता है उसका डिफॉग होगा या फिर ऐसे कुछ मूव्स होंगे ज़रूर, नहीं तो वो यूज़ करने देता नहीं, जी मूव वगैरह मारता हड़बड़ाई में या फिर जल्दी में। तो हम लोग और एक बार स्पाइक यूज़ करते हैं, अभी डिफॉग आएगा, अगर नहीं आता है तो ख़त्म, ठीक है मेरे को लगा ही था। तो हमने लास्ट में पॉइजन ड्रॉप मारा ताकि अगर हो सके वो पॉइजन हो जाए, पर हुआ नहीं, कोई नहीं। अभी मैं फिर से स्वॉम्पर लेके आता हूँ, हम लोग ट्रैप करेंगे, पर सामने है स्वीकून, शेयर कोल्ड इसके पास भी होगा। मैं एक फिश स्लैश लगाता हूँ, मेरे को जीमू मारना चाहिए था, पर कहीं अगर वाटर एब्जॉर्ब होता तो वो भी बेकार ही जाता, ख़त्म स्वॉम्पर। काश हमारा होल्ड आइटम हमारे पास होता फ्रेश ऑनियन, जिससे 35% अटैक बूस्ट होता है, पर लेफ्ट ओवर ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बहुत बार डिफेंस थोड़ा ज़रूरी होता है, अटैक तो ज़्यादा इंक्रीज़ हो ही जाएगा जब हमारा बेस कंप्लीट होगा। तो अभी शेयर कोल्ड पे शेयर कोल्ड आया जा रहा है और हमारा सल्गियाली जैसे तैसे टिका हुआ है, हालांकि अनवायर एबिलिटी है, कभी भी हिट होके मर सकता है। और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सनसिल स्ट्राइक, मैं चाहता हूँ ये फीनी चला जाए, एक्चुअली मैं जानता हूँ ये हार गया, पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रुकना चाहता हूँ, हो सकता है कि कुछ हो जाए, पर हम लोग टिके हैं अभी तक, ठीक है। मैं लेके आता हूँ अपने सुईकून को, इसके पास वाटर एब्जॉर्ब है तो प्रोटेक्ट, रेस्ट वहाँ पर यूज़ हुआ, स्लिप टॉक यूज़ हुआ जाएगा, अब कुछ कर नहीं सकते, मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, मरेंगे तो मरेंगे नहीं तो और कोई ज़रिया नहीं है हमारे पास फिशर और शेयर कोल्ड का, वाटर जिम में कोई तोड़ नहीं अभी तक। पर इस बैटल के बाद मैं जल्दी से जाऊँगा, अपने सलगियालियों को वो एबिलिटी दे दूँगा जिससे वन हिट नॉकआउट नहीं होगा, उसके बाद हम लोग फिशर से लड़ने के लिए तैयार होंगे। अगर मैं इन सारे पोकेमोन्स का फ्रेंडशिप जो है मैक्स कर देता या फिर थोड़ा सा भी लेवल एक स्टेज भी अगर फ्रेंडशिप कर देता तो चलो थोड़ा हो सकता था कुछ भी। तो यहाँ पर हम स्लीप में जा चुके हैं, ये बैटल गंदा था, लेकिन मेरे को पहले मज़ा आया, मैं अपना डिफेंस चेक करना चाहता था कि क्या इस लायक है कि स्वॉम्पट झेल जाए। तो अटैक +3 पालकिया पर, जिसके पास एडेप्टिबिलिटी एबिलिटी होता है उस पर वाटर इंपैक्ट पड़ना, एक स्वॉम्पट पर जो एक वाटर टाइप पोकेमॉन है और फिर भी सिर्फ 12 KHP खोना बहुत ही बड़ी बात है, ऊपर से 3.5 KHP हमारी रिकवर हो जा रही है हर टर्न, तो ये भी बड़ी बात है। मैंने होल्ड आइटम जो है उसको लेवल 10 पे रखा है और हाल ही में हमने उसका होल्ड आइटम भी सिंथेसाइज किया है। मेरे को ज़्यादा वक्त नहीं लगा, बहुत ईजी है, मेरे को 2 दिन लगे हार्डली कंप्लीट करने में लेफ्ट ओवर्स। मेरे पास बहुत सारे बेकार पोकेमॉन्स थे, छोटे पोकेमॉन्स जैसे कि बेल स्प्राउट वैसे वगैरह, जो हमने बहुत वक्त से एरॉन वगैरह थे या फिर मरीब थे जो हमने स्टीलिंग्स या फिर स्वॉम्पट को R7 करने के चक्कर में कंप्लीट किए थे। तो यहाँ पर मैं वाटर सेल गैली को दे रहा हूँ जिससे वन हिट नॉकआउट ना हो और फिर हम लोग जाएंगे वाटर जिम में और फिर हम लोग देखते हैं कौन हमें शेयर कोल्ड से मारता है। ऑप्शन इस बार है हमारे पास, एक्चुअली मेरे को पहले ही कर लेना चाहिए था, अगर कर लेता ना तो इतनी बुरी नौबत आते नहीं, कोई नहीं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो फाइनली हम लोग अगेंस्ट में हैं जी डी सीता ऐसे कुछ नाम है इनका, और मेरे को लग रहा है कि निंजा पर ज़रूर होगा स्पाइक्स, ठीक है ये तो हो ही नहीं सकता कि स्पाइक्स ना हो, हेज नहीं है क्योंकि अभी तो ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं क्योंकि हमारा अटैक ऐसे ही 0 है, डिफेंस भी 0 ही है। तो एक फिशर स्लैश खत्म। एक अच्छी चीज़ बताऊं गाइस, ये एक बुरी चीज़ ये है कि हमारे जो VIP 0 अकाउंट है ये कहीं से भी कंप्लीट नहीं है, सूट हमारे लेवल अप हुए ही नहीं है और पोटेंशियल हमने हाथ लगाया नहीं है और ना ही बेस कंप्लीट है, और जीरिम्स तो ऐसे ही है जो शुरुआत से जो हमने डिसाइड किया था वही अभी तक, पर ये इसीलिए हो पाया क्योंकि स्वॉम्पट R7 करने में मेरे को बहुत ज़्यादा वक्त लगा और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा कॉइन्स लगे, कॉइन्स इतने सारे लगे जितने कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हो, और एक पर एक हमने R7 बनाया और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, एज ए VIP 0 में बता रहा हूँ, मोबाइल पर बहुत ज़्यादा वक्त लगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्वॉम्पट पर उससे भी ज़्यादा वक्त लगा और उससे भी ज़्यादा कॉइन्स लगे क्योंकि मेरे को एक एक स्वॉम्पट मेगा बना के सॉल्व कर रहा था या फिर मास्टर सर्किट के सॉल्व कर रहा था, जिससे टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था मेरा, ठीक है। तो इसके वजह से हमारा जो पोटेंशियल है वो बूस्ट नहीं हो पाया और हम बाकी पोकेमॉन्स पर भी ध्यान नहीं दे पाए, जैसे कि हमारा गेंगार 1 साल तकरीबन होने को गया, वो आज तक मेगा पर ही पड़ा है, उसको R2 करेंगे, पर जब तक डिओक्सिस R2 नहीं हो जाता मैं रुका रहूँगा, चाहे मुझे कितने भी हार झेलने पड़े, पर जिस दिन वो R2 हो गया मैं जल्दी से गेंगार को R2 करूँगा, उसे एवेकिन करूँगा, मेरे पास इतने गेंगार तो है कि मैं उसे जल्दी से एवेकिन भी कर दूँ, और मैंने ऑलरेडी उसके सारे टास्क के जो जो रिक्वायरमेंट्स थे सारे कंप्लीट किए हुए हैं, उसका आई वैल्यू मैंने ऑलरेडी 171 से ज़्यादा रखा हुआ है, 6 स्टार ऑलरेडी किया हुआ है, और मैंने ऑलरेडी कीज़ काफ़ी सारे सेव करके रखे हुए हैं ताकि मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जितने भी टास्क हैं वो कंप्लीट करने में, ठीक है। एक दिन या फिर 2 दिन में हार्डली या फिर 4-5 दिन में मैं उसका सारे टास्क कंप्लीट कर दूंगा और गेंगार कर देंगे मैक्स। पर अभी जो है मैं बहुत ज़्यादा बिजी था डिओक्सिस करने में, अभी भी एक्चुअली हूँ मैं, हर दिन
अलग एग्ज़ाम पकड़ रहा हूँ वाइल्ड में जाके, जो एक्चुअली मतलब टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है उसको पकड़ने में, क्योंकि पहली बार पकड़ रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि रेगुलर हूँ, पर फिर भी एक दिन में दो मिल जा रहे हैं और जल्दी से वैकेंसी सिक्स होकर मैं रिसेट कर भी दूंगा उसको, डिओक्सिस को कर देंगे हार्ड टू। मेरे पास अभी भी ऑप्शन है कि मैं जाके गेंगार पकड़ूँ ताकि जल्दी से हार्ड टू वैकेंट टू या फिर थ्री तक पहुँचा दूँ उसको, पर मेरे को डिओक्सिस जल्दी कंप्लीट करना है। फिर मेरे को जाके वो जो इलेक्ट्रिक वाला पोकेमॉन है ट्री टाइप का कुछ, जो आखिरी रीजन में है, उसे भी पकड़ना है, क्योंकि स्पीड वाले फाइटर्स पर मैंने हाथ दिया नहीं है, वो शुरू भी नहीं किया मैंने, तो उसको भी पकड़ना है। वक्त लगेगा काफ़ी, पर ज़रूर होगा एक दिन, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है मेरे को सर कंप्लीट करने में, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फोकस अपने वीआईपी में अकाउंट में किया हुआ था, अब थोड़ा हम लोग यहाँ पर भी फोकस कर रहे हैं आजकल। जिस दिन ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी उस दिन आएगा मज़ा। एक्चुअली मैं एक और पोकेमॉन बना रहा हूँ जो मैं कोशिश करूँगा R7 बनाया जाए, ताकि हम लोग डार्क राय को भी रोक पाए, क्योंकि गाइस डार्क राय को रोकना ज़रूरी है, और जब वो हो जाएगा सारी चीज़ें हो जाएंगी। अभी जैसे तैसे हम इस बंदे को मार रहे हैं। मैं एक बार भी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एक बार भी शेयरकोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं इस वाले अकाउंट में शेयरकोल्ड का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ना ही फिशर का। मैं वीआईपी जीरो में एक्चुअली में जो चीज़ें हो सकती है वैसे ही यूज़ करता हूँ, जैसे फिशर यूज़ नहीं करता, मेरे किसी भी पोकेमॉन में फिशर नहीं है, मैं हर ना ही शेयरकोल्ड यूज़ करता हूँ और ना ही कुछ और, ठीक है। इस वाले में हमने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बैटल के लिए रखा है, मारो मारो ख़त्म, ज़्यादा स्टेलिंग भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं। सलगैलियो पे हमारा पहले लाइट रिफ्लेक्ट या फिर लाइट स्क्रीन हुआ करता था, हमने उसे बल्क अप अर्थक्वेक में कन्वर्ट किया, और बहुत सारे पोकेमॉन ऐसे थे जो थोड़े से टाइम टेकिंग थे, पर हमने सबको अब किलर बनाया, या फिर मार दो या फिर मर जाओ। इससे क्या होता है ना गाइस, बैटल लड़ने में मज़ा आता है, स्टेल नहीं होता कुछ ज़्यादा, वक्त नहीं लगता और टाइम बचता है आपका, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो लाइफ का जो है वो टाइम है, और वो बचता है मेरा, ताकि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ उस वक्त में। इसीलिए मैंने सारे पोकेमॉन्स को जल्दी जल्दी मरने और मारने वाला कन्वर्ट कर दिया। अभी मेरा लूडिकुलो गया, एक्चुअली मैं इसे बचाना भी चाहता था, पर जाने देता हूँ, क्योंकि वो बर्न जा चुका था और ऑलरेडी डेड था, और मैं यहाँ मेरा स्वलगैलियो जो है यहाँ पर सो भी चुका है, तो मैं सोमफर लेके आता हूँ। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर नाराज़ हो चुका था, अब मैं सोच रहा था जी मूव लगाया जाए या फिर एक एक फिट में पोकेमॉन्स ख़त्म कर दिया जाए, अब ज़्यादा पोकेमॉन बनने के बच्चे नहीं हैं, और मैं उठ चुका हूँ अब। इन्फेस्टेशन पड़ा और मेरे को फिशर स्लैश लगा देने चाहिए था, पर मैं वेट कर रहा था कि कुछ और करे, पर ये बंदा चला जाता। तो गाइस जैसा आप देख ही सकते हो, दो ही बैटल मैंने खेले और तकरीबन 20 से 30 मिनट चले गए। मैं तो फास्ट फॉरवर्ड करके मैंने आपको दिखाया, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा होता। मैं आखिरी वक्त में आया और अनलकीली मैं सिर्फ एक ही बैटल जीत पाया, इसीलिए मैं कभी ये नहीं खेलता। होप गाइस वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट।